हेलो एवरीवन, यू ऑल नो दैट इन इंग्लिश अल्फाबेट देर आर ट्वेंटी सिक्स लेटर्स इंग्लिश अल्फाबेट में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं ए टू जेड ए बी सी डी अप टू जेड एंड ईच लेटर हैज़ इट्स डिफरेंट साउंड और हर लेटर की अपनी एक डिफरेंट साउंड होती है तो आज हम उसी साउंड को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं फोनिक्स तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द साउंड ऑफ ए बी एंड सी सबसे पहले हम लेटर ए की साउंड को जानेंगे व्हाट इज़ द साउंड ऑफ लेटर ए लेटर ए की साउंड को हम एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे चलो फिर मैं स्टोरी सुनाती हूँ अंकिता नाम की एक गर्ल थी एक दिन अंकिता एरोप्लेन में बैठकर कहीं घूमने जा रही थी और जब वो एरोप्लेन में बैठी थी तो वो एप्पल खा रही थी एक रेड रेड कलर का एप्पल खा रही थी तभी तो अचानक उसे एक एंट ने काट दिया अब बच्चों एंट ने उसे कहाँ काटा होगा तो जो एंट थी उसने अंकिता को उसके एंकल पे काट दिया जब एंट ने अंकिता को एंकल पे काटा तो उसके एंकल पे बहुत जोर का पेन होने लगा और पेन पेन मीन्स दर्द तो जब उसको पेन होने लगा तो उसके मुंह से आवाज आने लगी ए ए ए ए ए तो बच्चों ए, बच्चो, ए से ए ए ए और सो व्हाट डज ए से ए ए ए आ, और अ तो बच्चों ए से शुरू होने वाले वर्ड्स है ए एन के आई टी ए अंकिता ए आर ओ पी एल ए एन ई एरोप्लेन एक है ए पी पी एल ई एप्पल ए पी पी एल ई एप्पल ए एन T एंड A N T एन A N K L E ankle A N K L E ankle तो बच्चों ए की साउंड ए ए या फिर अ अब हम लेटर बी की साउंड जानेंगे व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर बी इसे भी हम एक स्टोरी के थ्रू देखेंगे कि वॉट इज द साउंड ऑफ बी तो बबीता नाम की एक गर्ल थी वो रोज अपने बैग में बुक रख के अपने स्कूल जाती थी उसे बटरफ्लाई के पीछे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था उसके घर में एक प्यारी सी बर्ड का नेस्ट था नेस्ट मीन्स घोंसला था बबीता को बैट और बॉल से खेलना बहुत पसंद था जब बबीता बॉल को बाउंस करती मतलब कि उसको उछालती तो बॉल से आवाज़ आती थी ब ब कैसी आवाज़ आती थी ब ब तो बच्चों बी से ब, ब, बौ। बौ। बी की साउंड होती है ब ब तो देखते हैं हमने बी से कौन कौन से वर्ड्स पढ़े बी ए बी आई टी ए बबीता बी ए जी बैग बी ए जी बैग बी ओ के बुक बी ओ के बुक बी यू टी टी ई आर एफ एल वाई बटरफ्लाई बी आई आर डी बर्ड B A T bat B A T bat B A L L ball B O U N C E bounce bounce means uchhalna to B se kaun si sound aayi B B B B says B B B अब हम letter C की story सुनेंगे एक curly hair वाली लड़की थी उसका नाम था कैनी तो कैनी एक दिन कार में बैठी हुई थी किस में बैठी थी कार में बैठी थी उसने अपने हेड में एक कैप पहनी हुई थी और वो कैप पहनकर केक खा रही थी वो क्या खा रही थी केक खा रही थी उसने कार की विंडो से बाहर देखा तो उसने देखा कि एक काव ग्रास खा रही है ग्रास मीन्स घास और बाहर एक कैट भी रनिंग कर रही थी रनिंग में दौड़ रही थी एक ब्लैक कलर का क्रो बाहर से बाहर कौ, कौ, कौ कर रहा था वो कौ, कौ 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 कर रहा था तो सी से आवाज आती है क, क, क। सी से क, क, क तो सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है सी यू आर एल वाई कर्ली सी एन एन वाई कैनी C A R car C A P cab C A K E cake C O W cow C A T cat C R O W crow So children, C says K, K, K. What is the sound of C? K, K, K.